जिला सोलन वासियों और विशेष रूप से बद्दी वासियों के लेकर राहत भरी खबर आई है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब में पॉजिटिव आने वाली महिला के संपर्क में जितने भी व्यक्ति आए थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके चलते जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें भी अब कुछ कम हुई हैं। लेकिन अभी पंजाब में एक दूसरा व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव आया गया है, जिसका संबंध भी बड़ी से था। उसके संपर्क में आए लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। अब उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि गुरदासपुर में एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जो बद्दी में कार्यरत थी, और बद्दी में ये महिला हॉस्टल में रहती थी और निजी कंपनी के लिए काम करती थी। इस महिला के संपर्क में करीब 65 लोग आए थे, जिन्हें आइसोलेट भी कर दिया गया था, और अब उनकी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति पंजाब में पॉजिटिव आया था, उसके घर भी बद्दी में सील कर दिए गए हैं और उनके भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में ज़्यादा टेस्ट करवाने के लिए 10 और टीमें गठित की गई हैं, साथ ही निजी अस्पताल और केमिस्टों से भी डाटा लिया जा रहा है। जो बद्दी में हमारे पंजाब में जाके दो केस पॉजिटिव आए हैं, उसके विषय में ये कहना चाहूँगा कि एक तो पंजाब जो पहला 26 साल की लड़की है, वो वर्धमान में काम करती थी। यहाँ पर उसको ये बुखार वगैरह का कोई भी सिम्टम नहीं था। हाँ, उसके पेट में दर्द जरूर थी, उसमें पथरी का कारण था, उस कारण वो बाकी हॉस्पिटलों में जाती थी, बाकी इसका कोई कोरोना का यहाँ टेस्ट नहीं हुआ था। और पंजाब में जाकर उसका ये टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसके बाद उसके जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट 65 कॉन्टैक्ट से, उसको हमने कल से सबको आइसोलेट कर लिया और सबके टेस्ट करे हैं, और आज सबके टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ केस है। ये जो है वो भी बद्दी का रहने वाला, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, तो उनको भी हमने पूरा कर लिया है। वो भी उसको भी कोई बीमारी के सिम्टम कोई कुछ नहीं थे, जबकि उनकी तो हिस्ट्री है कि वो 40 दिन तक, जैसे लॉकडाउन हुआ, वो अपनी सिस्टर के घर वहाँ कमरे के अंदर ही रहते थे। और उनके भी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हमने सबने ट्रेस कर लिया है, आज उनकी सैम्पलिंग चल रही है। कोरोना के लिए तो हमारी युद्ध स्तर पर मुहिम तैयार है, और हम रोज कम से कम 100 से 150 तक सैंपलिंग यहाँ कर रहे हैं, एक्सटेंसिव सैंपलिंग हो रही है। आज भी हमने इस विषय पे गहन चिंतित किया और DC साहब से भी काफ़ी बातचीत हुई, तो आज हमने 10 मेडिकल टीमें सैंपल के लिए विशेष रूप से और तैयार कर दी हैं। और इसके अलावा केमिस्ट लोग हैं, वो भी हमें लिस्टें भेजते हैं, और जो भी ILI सिम्टम के पेशेंट होते हैं, हम सब की सैंपलिंग युद्ध स्तर पर करते हैं।